Welcome back, students. I am Pooja. Today I am going to explain part 2, Maria Sharapova. We already discussed about part 1, Santosh Yadav, and that is really, really inspirational story. So I must say, you all students enjoy reading that story. So part 2, Maria Sharapova. She was a Russian girl and she also reached the summit of women tennis. When she was barely 18, when she was 18 year old, my dear student, jab wo 18 saal ki thi, then she has got the rank in worldwide top position in women's tennis. So as you read about her, see if you can draw comparison between her and Santosh Yadav. So my dear students, once I finished my explanation, I hope you all will be able to create the difference between the life of Santosh Yadav and Maria Sharapova. And I hope you will comment in my box also. So there are some questions given here. After reading, you will have to answer. Why was Maria sent to the United States and why didn't her mother go with her? Third question, what are her hobbies and what does she like? And what motivates her to keep going? So these question answer you will only get after my explanation, my wonderful explanation. So, without wasting time, let's start. There is something disarming about Maria Sharapova. Disarming means making argument, means nihatta kar dene wala. To yahan par kehne ka matlab hai, kuch aisi cheezo jo Maria Sharapova ko different kar sakti hain. Something at odd with her ready smile and glamorous attire. Ready smile means she always used to smile, and glamorous means attractive, manmohak. Attire means dress. पोशाक मनमोहक पोशाक और एक अच्छी सी स्माइल के बावजूद भी कुछ तो और था और मीन्स कुछ तो अजीब था जो कि नहीं होना चाहिए उसकी लाइफ में एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर ऑन मंडे और एक मंडे को जो उसकी लाइफ को काफ़ी लिफ्टेड मीन्स काफ़ी आगे की ऊंचाइयों की तरफ ले गया वो मंडे का दिन था 22 अगस्त 2005 को to the world number one position in women's tennis और उसे 22 अगस्त 2005 दिन सोमवार को उन्हें टॉप पोजिशन मिला वुमेंस टेनिस में वर्ल्ड में नंबर वन पोजिशन थी. ऑल दिस हैपन इन ऑलमोस्ट नो टाइम और ये सभी हुआ विद इन नो टाइम में ज़्यादा समय नहीं लगा. एज वी ऑल नो दैट शी वॉज ओनली 18 ईयर गर्ल वेन शी गॉट द first position in women's world tennis. So poised beyond her years, poised means on high position, ऊँचे स्तर पर इन उन सालों में वो बहुत अच्छा कर चुकी थी. The Siberian born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle. Siberian born teenagers, teenager मतलब आप जानते हो between the age group of 13 to 19 किशोरावस्था कह सकते हो. किशोरावस्था में ही 4 साल उसे लगे प्रोफेशनल करियर में की ऊंचाइयों पर पहुंचना. तो आइए देखते हैं मारा शारापोवा को. आप देख सकते हैं कि उन्होंने मेडल लिया है 2004 में. मारिया शारापोवा वोन द वुमेन्स सिंगल्स एट विंबलडन इन 2004. विंबलडन में 2004 में उन्होंने वुमेन्स सिंगल्स में जीत पाई. तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेडल लिए वो बहुत ही हैप्पी हैं. बहुत ही प्यारी सी स्माइल दिख रही है आपको पिक में. तो आइए देखते हैं. हाउएवर द रैपिड एसेंट इन फियर्सली फियर्सली मीन्स वेरी मच कॉम्पिटेटिव एंड टफ कॉम्पिटिशन होने के बाद में भी वर्ल्ड बिगेन नाइन ईयर्स बिफोर विद द लेवल ऑफ सेक्रीफाइसिंग फ्यू चिल्ड्रन वुड बी प्रिपेयर्ड टू इंड्योर. इंड्योर मीन्स बेयर करना सहन करना. बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो 9 साल की एज में काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस करके कुछ गेन करना चाहते हों. लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th birthday. छोटी सी मारिया अपने 10th birthday नहीं सेलिब्रेट की होती हैं अभी तक. वेन शी वॉज पैक्ड अप टू ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट. जब वो यूनाइटेड स्टेट जा रही होती हैं तो उन्होंने तो यहाँ तक कि अपना 10th birthday भी नहीं सेलिब्रेट किया. दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा विथ हर फादर यूरी लॉन्च्ड हर ऑन द पाथ टू सक्सेस. और वो ट्रिप जो फ्लोरिडा के लिए था वही पाथ उसके सक्सेस और उसके स्टारडम के लिए बना हुआ था.
तो उसके फादर उसके साथ थे। वहाँ की ट्रिप थी फ्लोरिडा की, किसके साथ थी, यूरी के साथ जो उसके फादर थे, और यही रास्ता उसके सक्सेस और उसके फेमस के लिए बना। बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट रेंचिंग, हार्ट रेंचिंग मीन्स वेरी सैड 2 ईयर सेपरेशन फॉर हर मदर येलेना। उसकी मदर का नाम येलेना था और 2 साल सेपरेट होना था, इसीलिए वो हार्ट रेंचिंग मतलब बहुत ही दुख वाला समय था जब वो अपनी मदर येलेना से 2 साल के लिए अलग होने वाली थी। हार्ट रेंचिंग मीन्स वेरी पेनफुल, बहुत ही दुख भरा समय था उनके लिए। द लेटर वॉज कंपेल्ड टू स्टे बैक इन साइबेरिया बिकॉज ऑफ वाइज वीज़ा रिस्ट्रिक्शन। वीज़ा रिस्ट्रिक्शन की वजह से उन्हें वापस साइबेरिया में रहना पड़ा कम मजबूरी में। द 9 ईयर ओल्ड गर्ल, 9 साल की बच्ची थी, ये सब उन्होंने देखा अपनी लाइफ में, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए। शी वॉज सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर ऑल्सो येलेना, और बिकॉज ऑफ वीज़ा रिस्ट्रिक्शन सी हैज़ टू स्टे देयर ओनली। 9 ईयर ओल्ड गर्ल हैड ऑलरेडी लर्न एन इम्पॉर्टेंट लेसन इन लाइफ। 9 साल की बच्ची ने अपने जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन लर्न किया, दैट टेनिस एक्सेलेंस वुड ओनली कम एट द प्राइस। टेनिस एक्सेलेंस कुछ पे करने के बाद ही आ सकता है, कुछ खोने के बाद में ही। आई यूज टू बी सो लोनली, यहाँ पे मारिया शारापोवा अपनी यादों को, यादों में जाकर अपनी मेमोरीज को याद करते हुए कहती हैं कि मैं उस समय बहुत ही अकेली थी। आई मिस्ड माई मदर टेरिबली, वो बहुत ही बुरी तरह से अपनी माँ को याद कर रही होती हैं। उनकी माँ का नाम येलेना था, उनके पापा का नाम यूरी था। माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग। उसके वो बताती है उसके फादर बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे होते हैं उसकी ट्रेनिंग, टेनिस ट्रेनिंग को कंटिन्यू करने के लिए। सो ही कुडंट सी माई ईदर, वो कभी कभी इसे देख पाते थे, मतलब मारिया शारापोवा को कभी कभी देख सकते थे, बिकॉज ही वॉज वर्किंग सो हार्ड सो दैट ही वॉज एबल टू गेव हर अ गुड टेनिस ट्रेनिंग। बिकॉज आई वॉज सो यंग, मारिया कहती हैं वो बहुत ही यंग थी। आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM, वो 8 ही बजे बेड पर चली जाती थी। द अदर टेनिस पीपल, जो बाकी जो स्टूडेंट थे टेनिस के, वुड कम इन एट 11 PM, और बाकी जो स्टूडेंट थे 11 बजे ही आ जाते थे। और वो कितने साल की थी, बहुत ही यंग थी, बहुत ही छोटी थी, इसलिए बहुत जल्दी वो बेड पे चली जाती थी सोने के लिए एट नाइट 8 बजे। और जो बाकी स्टूडेंट होते हैं टेनिस के, वो 11 बजे आते थे सोने के लिए, वेक मी अप, और वो सभी स्टूडेंट उसे जगा देते थे। ऑर्डर मी टू टी टाइडी अप द रूम, और सभी उसे ऑर्डर देते थे रूम को साफ करने के लिए, संवारने के लिए, क्लीन इट और साफ करने के लिए। इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, और लेटिंग दैट डिप्रेस मी, और उसे बहुत ही उदास होना पड़ता था उनके इस ऑर्डर से। आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ, और इन सभी से वो काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इच्छा रखने लगी, और मेंटली बहुत ही मतलब आप कह सकते हो स्ट्रॉन्ग हो गई। टफ मतलब यहाँ पे इस लाइन में स्ट्रॉन्ग होना। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, और तभी से उसने सीखा कि कैसे मुझे अपने आप की केयर करनी है। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू वॉट आई वॉन्टेड, क्विटिंग मीन्स लिविंग, मैंने कभी नहीं सोचा छोड़ने के लिए, मैं जानती हूँ मुझे क्या चाहिए था। वेन यू केम, यू कम फ्रॉम नथिंग, यू हैव नथिंग, जब तुम कुछ नहीं करने के लिए आते हो तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलता। एंड देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटरमाइंड, तभी तुम्हें लगता है कि तभी चीज़ों के लिए तुम हंग्री रहते हो और काफ़ी डिटरमाइंड हो जाते हो। यहाँ कहने का मतलब मारिया शारापोवा का ये है, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं करने के लिए तुम आते हो, तो उसी समय उसी मोमेंट यू विल बी मोर हंग्री। जब तुम्हारे पास कुछ होता ही नहीं है, यू विल नॉट हैव एनी थिंग लाइक सक्सेस एंड फेम एंड ऑल, सो यू आर सो मच हंग्री फॉर गेटिंग दीज ऑल थिंग्स, एंड दैट टाइम यू विल बी मोर डिटरमाइंड, उसी समय तुम ज़्यादा डिटरमाइंड होगे, तुम्हारी इच्छा शक्ति ज़्यादा होगी उन चीज़ों को पाने के लिए। आई वुड हैव पुट अप विथ मच मोर ह्यूमिलिएशन एंड इंसल्ट, ह्यूमिलिएशन आप कह सकते हो, इंसल्ट मतलब अपमान, उन्होंने बहुत सारा अपमान, आई वुड हैव पुट अप विथ मच मोर, और उन्होंने कहा कि बहुत सारे अपमान के बावजूद भी
देन दैट इज स्टेडी फास्टली परस्यू माई ड्रीम. और स्टेडी फास्टली मतलब आप कह सकते हो धीरे धीरे उन्होंने अपने ड्रीम को के लिए वर्क किया, परस्यू किया. इतनी सारी इंसल्ट और अपमान सहने के बावजूद भी वो अपने ड्रीम की तरफ आगे बढ़ती रही. दैट टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टूडे. और वही टफनेस, वही हार्डवर्क अभी भी मारिया को आगे की तरफ ले जाता है. इट वॉज द की टू हर बैगिंग द वुमेन सिंगल्स क्राउन एट विंबलडन इन 2004. ये एक की था, एक चाबी थी. उस चाबी कौन थी? उसकी डिटर्मिनेशन थी, जिसकी वजह से वो वुमेन सिंगल्स का खिताब और ताज जो कि विंबलडन में 2004 को हुआ था, उसका खिताब, उसका ताज उन्होंने जीत लिया. एंड टू हर मेट्रोइक राइज टू द वर्ल्ड नंबर वन स्पॉट ऑफ द फॉलोइंग ईयर. मेट्रोइक राइज मीन्स गेटिंग क्विक सक्सेस. बहुत ही जल्दी सफलता मिली उन्हें और मात्र 19 साल की एज में वो वर्ल्ड की टॉप पोजीशन की वुमेन्स टेनिस को गेन किया. तो इस तरह से आप कह सकते हो बहुत ही जल्दी उन्हें सफलता या सक्सेस मिली. वाइल हर जर्नी फ्रॉम फ्रोजन प्लेन्स ऑफ साइबेरिया टू समिट ऑफ वुमेन्स टेनिस हैड टच द हार्ट ऑफ टेनिस फैंस. उसका जर्नी जो फ्रोजन प्लेन, उसका जर्नी जो कि साइबेरिया के प्लेन से कहाँ तक पहुँचा, वुमेन्स टेनिस की चोटी तक, जो कि सभी उसके सभी फैंस के हार्ट को टच कर दिया था. सभी उसके खेलने के तरीके से उसके सब बहुत लोग फैंस बन चुके थे. फॉर द यंगस्टर हरसेल्फ देयर अपीयर्स टू बी नो रूम फॉर सेंटिमेंट. द स्ट्रेट लुक्स एंड आंसर शी गिव्स व्हेन आस्क्ड अबाउट हर एम्बिशन मेक इट एम्प्लाई क्लियर दैट शी कंसिडर्ड द सेक्रीफाइसेस वर वर्थ इट. और जब भी उसे कोई पूछता कि अबाउट एम्बिशंस, उसके एम्बिशंस के बारे में, तब वह कहती थी कि योर एम्बिशन विल ओनली बी क्लियर वंस यू विल स्टार्ट सेक्रीफाइसिंग, बिकॉज सेक्रीफाइसिंग वर वर्थ इट. और सेक्रीफाइस क्या है? वर्थ होता है, उसकी कीमत होती है. जब आप सेक्रीफाइसिंग करना शुरू करते हैं देन ओनली यू विल बी गेट सक्सेस. हु सेड? मारिया शारापोवा. उन्होंने कहा आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटेटिव. वो बहुत ही कॉम्पिटेटिव हैं. एंड आई वर्क हार्ड एट वॉट आई डू. और जो भी वो करती हैं उसके लिए बहुत मेहनत करती हैं. इट्स माई जॉब. वो कहती हैं कि ये मेरा काम है. दिस इज़ हर मंत्र फॉर सक्सेस. और यही उन्होंने अपनी सफलता का मंत्र बताया. किसने बताया? मारिया शारापोवा ने. दो मारिया शारापोवा स्पीक्स विद अ प्रोनाउंस अमेरिकन एक्सेंट. मारिया शारापोवा अमेरिकन एक्सेंट प्रोनाउंस करती थी. शी प्राउडली परेड्स हर रशियन नेशनैलिटी. और वो बड़े गर्व से अपने रशियन नेशनैलिटी का परेड करती थी. क्लियरिंग ऑल डाउट शी सेज. वो सभी डाउट को क्लियर करते हुए कहती हैं आई एम रशियन. एज वी ऑल नो दैट मारिया शारापोवा इज अ रशियन गर्ल. वो एक रशियन गर्ल थी, तो सम हॉ एक सॉफ्ट कॉर्नर रशिया के लिए था उसके हाथ में. इट्स ट्रू दैट USA इज अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ. वो मानती हैं कि USA उसके लिए, US एक बड़ा पार्ट है उसकी लाइफ में. बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप. लेकिन वो कहती है कि मेरे पास रशियन सिटीजनशिप है. माई ब्लड इज टोटली रशियन. मेरा ब्लड टोटली क्या है? रशियन है. आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ दे वॉन्ट मी. उन्होंने कहा कि रशिया की गवर्नमेंट अगर चाहती है तो मैं रशिया के लिए ओलंपिक खेलना चाहती हूँ. किसने कहा? मारिया शारापोवा ने. तो इस पैसे से हमें ये मिलता है, जानने को मिलता है उनकी लाइफ से कि वो बहुत ही देशभक्त थी. मतलब उन्हें अपने देश से बहुत ज़्यादा लगाव था. इंस्टेड ऑफ वर्किंग सो मैनी ईयर्स इन US देन ऑल्सो शी सेइंग दैट इफ आई वुड गेट सम अपॉर्चुनिटी टू प्ले फ्रॉम द रशिया साइड देन शी विल प्ले ओलंपिक्स फॉर रशिया. लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज्ड सेंसेशन मारिया शारापोवा लिस्ट फैशन सिंगिंग डांसिंग एज हर हॉबीज. जैसे अदर टीनेजर्स करते हैं वैसे ही मारिया शारापोवा को फैशन में, सिंगिंग में, डांसिंग में बहुत अच्छा लगता था. ये उसकी हॉबीज थी. कौन सी हॉबीज थी? फैशन, सिंगिंग, डांसिंग. किसकी हॉबीज थी? मारिया शारापोवा की. शी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कॉनन डॉयल. उसे आर्थर कॉनन डॉयल की नॉवेल्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता था. हर फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स अपीयर्स एट ऑड विथ हर लव ऑफ
पैनकेक्स विथ चॉकलेट्स स्प्रेड एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स। खाने में उसे वो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन उसे बहुत ही अच्छा लगता था। सिंपल और गाउन उसे पहनने में बड़ा अच्छा लगता था और उन्हें पैनकेक्स खाना चॉकलेट के साथ, पैनकेक्स उस पर चॉकलेट स्प्रेड हुए हों, वो केक्स बहुत अच्छे लगते थे और उन्हें फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स अच्छा लगता था। किसे? मारिया शारापोवा को। तो मारिया शारापोवा की लाइक और डिसलाइक्स आपको पैसेज 9 से मिल सकता है कि वो बींग टीनेजर्स शी लव टू हैव हॉबीज लाइक फैशन, सिंगिंग, डांसिंग एंड शी लव टू रीड नॉवेल्स ऑफ आर्थर कॉनन डॉयल। अलॉन्ग विद दैट शी वॉज वेरी फॉन्डनेस अबाउट वेयरिंग सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स and she loved to eat pancakes with chocolate spread or orange drinks. So Maria Sharapova cannot be pigeonholed or categorized. आप ऐसा नहीं कह सकते कि Maria Sharapova एक pigeonholed और category की हैं। Her talent, unwavering desire to succeed and readiness to sacrifice have lifted her to the top of the world. उसके talent और उसकी unwavering desire, उसकी जो स्ट्रॉन्ग इच्छा और जो विशेष थी सक्सेस के लिए, सफलता के लिए, और दूसरी चीज़ उस वो हमेशा शी ऑलवेज रेडी टू सेक्रीफाइस द थिंग्स एंड दैट मेड द पाथ टू द टॉप टू हर सक्सेस एंड दिस वे शी बिकम्स द टॉप प्लेयर इन द वर्ल्ड्स वुमेन टेनिस। फ्यू वुड ग्रज हर रीचेस शी इज नाउ रीपिंग and this is what she has about her monetary gains from tennis। आप यहाँ पे कह सकते हैं कि कुछ लोग हैं जो उससे ग्रज, मतलब hatred, hatred मतलब घृणा करना, कुछ लोग हैं जो उससे घृणा करते हैं। she is now reaping क्योंकि वो आगे ही बढ़ती जा रही हैं। this is what she has says वो यह कहना चाहती हैं about her monetary gains from tennis। उसे टेनिस से जो पैसे की उसके मनी अर्निंग होती है, उसने कहा ऑफ कोर्स मनी इज़ अ मोटिवेशन। वो कहती हैं कि यस, पैसा जो है एक मोटिवेशन है, उत्साहित करता है प्लेयर को। टेनिस इज़ अ बिजनेस, टेनिस उसके लिए एक बिजनेस है, अ स्पोर्ट्स, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बिकम नंबर वन इन द वर्ल्ड। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि दुनिया में नंबर वन बनना है। एंड दस द ड्रीम That kept me going, और वही सपना मुझे continue मुझे hard work और sacrifice करने के लिए compel करता है। तो my dear student, यहाँ पर यह मालूम पड़ता है कि she was saying that the money is very essential part of any successful person, but the most important things is to become unique and number one and to gain the number one position in the world, that the most important thing. So my dear students, there are some questions that we already discussed in first before starting the lesson. So I must say now you all will be able to give these four questions answer in my comment box. Thank you. If you have any doubt, so you can ask in my comment box.